हेलो पिनेकसान भाइयों, ये आपको आज दिखा रहे हैं राशि का 776 नरमा। देखिए किस कितनी हाइट है नरमे की और किस प्रकार से टिंडों की संख्या है और काफ़ी मात्रा में टिंडे खिड़ भी चुके हैं। ये 776 वैरायटी है राशि की, जिसको 15 दिन बाद सिंचाई की जाती थी। राजस्थान में भाखड़ा सिंचाई परियोजना में 15 दिन बाद ही सिंचाई के लिए पानी आता है। एक महीने में सिर्फ दो ही सिंचाई की है इस नरमे की और काफ़ी अच्छी हाइट है नरमे की और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होने की भी उम्मीद है। अभी तक इसकी चुगाई शुरू नहीं की है। ये देखिए, आप अच्छी तरह से देखिए, आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरह ये सिंचाई के लिए थाला बना हुआ है, जो इसको दोनों ओर से नरमे ने बंद कर रखा है। ये देखिए कितनी हाइट का नरमा है ये। और इसका प्रोडक्शन भी करीब 30 क्विंटल पर हेक्टर के पास जाने की उम्मीद है, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, मैंने तो कम से कम ही बताया है। ये देखिए, आपको मैं किसी पौधे को बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। ये देखिए टिंडों का साइज देखिए और ये रुई देखिए किस किस प्रकार, कोई भी रुई बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, कोई भी टिंडा ख़राब नहीं है। और इस पर जो कीटनाशक किए गए हैं वो मोनो इथियान एसीफेट, ये ही कीटनाशक यूज किए हैं, कोई ज़्यादा महंगा कीटनाशक नहीं किया। ये देखिए किस प्रकार पौधे बाहर की ओर गिर रहे हैं। ये देखिए अभी तक फूल गुड्डी भी दिख रही है थोड़ी बहुत, अब बिल्कुल चुगाई स्टार्ट होने वाली है इसकी। इस स्टेज में काफ़ी अच्छी हरियाली है नरमे के अंदर, कोई कालेपन की या पीलेपन की इतनी समस्या नहीं है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये राशि की, जिसको पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है और खर्च भी बिल्कुल कम होता है। बिजाई का या बीज का खर्च, मान लो कीटनाशक तो बहुत ही कम यूज़ किए गए हैं इस पर, सिर्फ 3 बार ही कीटनाशक का छिड़काव किया है और कोई इसमें ऐसी बीमारी भी नहीं देखने को मिली। ये देखिए टिंडों की संख्या, टिंडों का आकार और पौधे किस तरह गिरे हुए हैं, ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से। ये देखिए बिल्कुल बंद कर रखा है, इसने सिंचाई करने के लिए भी दिक्कत होती होगी जब इसमें पानी गुजरेगा, पर अब इसको लगता है सिंचाई की और ज़रूरत नहीं है, अब तो यहाँ पर गेहूं के लिए सिंचाई की जाएगी। ये देखिए पौधे का आकार, ये देखिए टिंडों की संख्या, अब शाव के अंदर अच्छा दिख रहा है, वहाँ पर धूप में कुछ वीडियो साफ नहीं दिख रही थी। ये देखिए पौधे की हाइट ऊपर से नीचे तक, पूरा व्यू देख लीजिए अच्छी तरह से। और आगे दिखाऊं मैं आपको, देखिए प्रोडक्शन तो लगभग 40 क्विंटल पर हेक्टर के पास ही पहुंच जाएगा इसका, और वो भी वहां पर जहां पर एक महीने में सिर्फ दो ही सिंचाई की जाती है और बिल्कुल नहर के पानी लगे हुए हैं, कुएं का पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया। ये देखिए बिल्कुल नीम के नीचे के पौधे हैं, जो कितनी अच्छी कंडीशन में खड़े हुए हैं और बाहर के तो इससे भी ज़्यादा हाइट के हैं। दूसरी साइड से वही नरमा जो 776 आपको पहले अंदर से दिखाया था, काफ़ी अच्छे रुई दिख रही है इसमें। ये देखिए काफ़ी अच्छी हाइट है, बाहर से कितना अच्छा व्यू है, सफ़ेद सफ़ेद, अब तो ये सफ़ेद सोना ही बन चुका है। काफ़ी मेहनत की है, 6 महीनों की किसान की मेहनत के बाद का ये अब रिजल्ट है, जो काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इस बार बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई है यहाँ पर, ये आप नरमे की बजाय यहाँ पर बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई। आपको आगे जो खेत दिखाएंगे वहाँ देखेगा आपको, उसमें
बिल्कुल भी बरसात देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल जो पास में खाली खेत है सूखे पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है। धन्यवाद। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये दूसरी तरफ से है राशि का जो 776 वैरायटी है, देखिए काफ़ी हाई टेनर में की काफ़ी ज़्यादा टीने लगे हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, टीने काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए पौधे सीधे नहीं खड़े रह सकते। ये देखिए टीनों की संख्या, देखिए ये पौधा एक बीच में खड़ा हुआ है, इसमें काफ़ी टीने जो रुई बन गए हैं इसलिए वजन कम हुआ है। तो ये देखिए टिंडों का आकार